नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिक्षा संबंधित साथ ही रीट भर्ती 2020 से संबंधित हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए दोस्तों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, आपको लंबे समय से यही इंतजार है कि कब तक रीट भर्ती 2020 की विज्ञप्ति आएगी, साथ ही किस दिन दोस्तों आपकी एग्जाम होने वाली है, साथ ही इस बार सरकार पैटर्न में क्या बदलाव कर सकती है और दोस्तों परीक्षा में आपका कितना डिले, साथ ही विज्ञप्ति में आपका कितना डिले हो सकता है। इस वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों लंबा समय बीत चुका है, दिसंबर 2019 में दोस्तों ये घोषणा हुई थी कि आपकी 2 अगस्त को एग्जाम होने वाली है। उसके बाद में एग्जाम डेट को बढ़ाया गया था, 2 सितंबर किया गया था। उसके बाद में दोस्तों सरकार का कहना है कि जो बीजेपी है उसके षड्यंत्र की वजह से हम एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, परंतु दोस्तों षड्यंत्र तो बाद में रचा गया था, परंतु अभी तक आपने विज्ञप्ति ही नहीं निकाली है, तो एग्जाम किस चीज का आप करवाने वाले हैं, तो सरकार पे दोस्तों बड़े सवाल खड़े होते हैं। साथ ही सरकार नए नए पैतरे खेलने में लगी है, सरकारी ओटले से चलती है। साथ ही सरकार नए पैतरों में सबसे पहले हम बात करें तो लेवल 1 को लेकर है, सरकार ने लेवल 1 को लेकर एक जंग सी छेड़ दी थी कि जिसमें जो भी बीएड साथ ही बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी है वो दोनों आपस में लड़े, साथ ही और वो ये भर्ती आपकी कोर्ट में चली जाए, साथ ही इसमें डिले हो जाए ताकि जो भी सरकार चल रही है, जो सरकार के 3.5 साल बच्चे हैं उसमें ये भर्ती कंप्लीट ना हो, ताकि दोस्तों इस भर्ती को है मैनिफेस्टो में दिखाया जाए कि हमने 31,000 शिशुओं की भर्ती निकाली है। परंतु दोस्तों अभी इसका कोई भी अता पता नहीं है, लाखों अभ्यर्थी इसी इंतजार में 5 दिन में रद्द हो गए हैं। रीट के 7,49,000 प्रमाण पत्र अभी तक नहीं हो पाई है परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई को 5,48,607, 4 अगस्त को 2,01,392 सर्टिफिकेट की वैधता दोस्तों समाप्त हो चुकी है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस बीच 5 दिन के अंदर ही बेरोजगार के रीट आरटेट के 7,49,000 प्रमाण पत्र रद्द हो गए हैं, साथ ही 4 अगस्त को 2,01,392 तथा 31 जुलाई को आपको 5,48,600 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को है वैधता खत्म हो गई है। 1,93,199 अभ्यर्थियों के रीट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी पिछले साल ही मई में खत्म हो गई है। प्रदेश में अब तक आपके 9,43,191 रीट आरटेट प्रमाण पत्र रद्द हो चुके हैं। 4 बार हुई आरटेट परीक्षा में आपके 12,61,000 आपके 258 अभ्यर्थियों ने शिक्षा पात्रता परीक्षा में भाग लिया था, साथ ही इसमें महज आपके 3,18,67 अभ्यर्थियों की पास की ही आपकी पात्रता थी। लेकिन दोस्तों अभी भी आपकी एग्जाम है या आपकी विज्ञप्ति का आता पता नहीं है, सरकार इसमें और डिले करती जा रही है। सरकार को एक बहाना मिल चुका है कि एक तरह आपकी जो भी बीजेपी है वो हमारे साथ षड्यंत्र कर रही है, दूसरी तरफ इस कोरोना महामारी की वजह से हम नोटिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन निकालते हैं उसके लिए आप चार्जेज करेंगे, यानी 500 रुपये अगर आप चार्जेज करते हैं तो सरकार पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा, एग्जाम वैलिडिटी के लिए आपका यहाँ अतिरिक्त बोझ आ सकता है, तो एग्जाम आपका डिले थोड़ा हो सकता है, 3 से 4 महीने आपका डिले हो जाएगा, तो उससे अभ्यर्थी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा, परंतु अगर सरकार ने अभी भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो दोस्तों 10 से 12 लाख अभ्यर्थियों के साथ एक भद्दा मजाक होगा। साथ ही लगातार सरकार की तरफ से कहने है कि हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, अभी सारे एग्जामों का रिजल्ट भी आ चुका है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी आपकी रीट की एग्जाम करवाने वाला है या नोटिफिकेशन निकालने वाला है उसके पास अच्छा खासा भी टाइम भी है, तो सरकार को ये जरूर करना चाहिए कि सितंबर तक दोस्तों इसका विज्ञप्ति निकाले, साथ ही आपकी फरवरी 2021 तक इसका एग्जाम ले, ताकि जो अभ्यर्थी तैयारी करें उनको मोटिवेशन मिले। और सरकार ऐसे नहीं सुनने वाले दोस्तों, आपको लगभग है 5 लाख ट्वीट है वो लगातार बेसिस पर करने पड़ेंगे, शाम 7 बजे आइए और रीट भर्ती की विज्ञप्ति निकालें, ये ट्वीट आपको लगातार है ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है। इसके अलावा अशोक गहलोत, सचिन पायलट, साथ ही बड़े जो नेता हैं बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के या किसी और पार्टी को हो, उनको टैग करना है, तभी दोस्तों आपकी बात सुनी जाएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि LDC की जो भी उसमें आपका ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं उसमें सरकार की है वो है ये बात पहुंच चुकी है, साथ ही लगातार न्यूज़ चैनल पे दोस्तों ये बात है वो चलाई जा रही है। दोस्तों आपकी बात तभी सुनी जाएगी दोस्तों आप आवाज़ उठाएंगे, तो अभी ये सही टाइम है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट खबर, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।